और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हरिद्वार में बीजेपी के कई विधायकों को सीएम पद का उम्मीदवार बताया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भट्ट ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा किसी एक चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी और यदि किसी चेहरे को आगे किया भी जाएगा तो ये केंद्र तय करेगा, यह कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का। अजय भट्ट ने विजय बहुगुणा सहित निशंक के खंडूरी और कोश्यारी के अलावा अन्य कई विधायकों और संगठन के नेताओं के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, केवल एक चेहरा उनके पास है, जो चेहरा है वो भी दागदार। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सामूहिक नेतृत्व, तो सामूहिक नेतृत्व होगा या फिर एक चेहरा होगा, ये केंद्र के नेताओं का विशेषाधिकार है। तो केंद्र जो तय करेगा, कहीं उन्होंने चेहरा दिया है कहीं चेहरा नहीं दिया है, जैसा केंद्र करेगा वो हमारा होगा। और वैसे भी तीन हमारे पहले के मुख्यमंत्री हैं, चौथे बहुगुणा जी आ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। हमारे यहाँ पर 6 पूर्व के अध्यक्ष हैं जो पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं और 6 ही हमारे यहाँ संगठन मंत्री हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे विधायक मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा हमारे वहाँ मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए कलेक्टिव लीडरशिप भी हो सकती है, किसी एक का चेहरा भी दे सकते हैं, ये केंद्र पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ चेहरों की कमी नहीं, सिर्फ कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है और वो भी दागदार। आपदा का दाग है, शराब में घूस लेने का दाग है, नारी संरक्षण गृह में माताओं बहनों से जो बलात्कार हुआ उसे दबाने का दाग है और लॉ एंड ऑर्डर फेल करने का दाग है, तमाम एक के बाद एक है, पीएम जीएसवाई में घोटालों का दाग है।